वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है, इतना तैयार क्यों? तो सबको ही पता होगा, खासकर जो हमारे साइड है, यूपी बिहार साइड, आज है तीज। सो हैप्पी तीज एवरीवन। एंड आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और जस्ट अभी सुनील गए हैं। सो मैंने पूजा वूजा कर लिया था। पूजा जनरली हमारे यहाँ सुबह जो होती है वो नॉर्मल पूजा होती है, शाम को थोड़ा विधि पूर्वक होती है। और कल भी मैंने ब्लॉग्स तैयार किए थे बट मैं उसको एडिट नहीं कर पाई, डाल नहीं पाई, तो इसी ब्लॉग के साथ ही मैं उसको मर्ज कर दूंगी। कल का पार्ट भी दिखा दूंगी जो जो मैंने प्रिपरेशन की है। और जो सूट पहना है वो आप देख सकते हैं, रेड कलर का, ये ऑलरेडी आपने देखा है। एक्चुअली मैं थोड़ा हैवी सूट पहनना चाह रही थी, मैंने निकाला भी था और सोचा भी था कल मैं यही पहनूंगी, बट मुझे लगा कि मैं सारा दिन अगर हैवी सूट कैरी करके रखूंगी तो समर्थ को मेरी गोद में बैठना रहता है, उसको मुझे लिए रहना रहता है, तो उसको चुभते हैं उसके गाल पे, क्योंकि वर्क वाले हैं। हाँ बेटू, अच्छा आ रही हूँ, समर्थ बुला रहा है मुझे, सौर मतलब बुला रहा है, सो इसलिए छुपते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं उसको पहनूंगी, और मतलब अभी मॉर्निंग में मैंने डिसाइड किया। देन फिर मुझे यही लगा, रेड के लिए थोड़ा सा लग रहा था कि फेस्टिवल है और हस्बैंड के लिए रखना है, तो रेड से अच्छा कलर कौन सा हो सकता है, तो मैंने रेड पहन। और जब आपका फास्ट होता है तो पता नहीं ऐसा डेली इतना भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, इनफैक्ट प्यास को अगर मैं ज़्यादा वो कहूँ तो, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि व्रत है तो बाप रे बाप इतना भयंकर प्यास लगने लगती है, ये सोच के ही टेंशन हो जाती है कि अरे इतने टाइम तक पानी नहीं पीना है। तो मुझे तो बहुत प्यास लग रही है सुबह से ही। और अभी समर्थ और शौर को मैंने नहाने के लिए बाथरूम में डाला है, अब मैं जा रही हूँ उनको नहला के बाहर निकाल देती हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये वही मेहंदी है जो मैंने खुद लगाई है। सो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे, कल तीज है, आज मुझे तीज की भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। और ये पर्दा बहुत लंबा है, एक्चुअली मेरे घर में सारे जो पर्दे हैं वो 9 फिट के हैं, तो हर घर की हाइट्स अलग अलग रहती हैं, तो जैसा रहती है वैसे रिक्वायरमेंट पे मैं लगा देती हूँ। तो काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये अभी 7 फिट वाले दरवाजा है, तो इसको मैंने मुड़वाया है, तो अब ये मेरा पर्दा लग गया। कल तीज है तो मुझे मंदिर साफ़ करना था, इसलिए मैं सबसे पहले यही काम में लग गई। नहाते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मंदिर साफ़ कर लूँ, बाद में मैं खाना बनाऊँगी, अदरवाइज़ अगर मैं खाना बनाने लगती हूँ तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हैं दिन में मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो इस समय बच्चे सो रहे थे और इस समय हो रहा है 6:30, तो मैंने सोचा लाओ मैं मंदिर ही साफ़ कर लेती हूँ। और मंदिर को साफ़ करने में थोड़ा सा मुझे अकेलापन सही लगता है, ताकि मैं अच्छे से भगवान के कपड़े और उनको पोंछ सकूँ, सब चीज़ें क्लीन कर सकूँ। ये बहुत ही लंबा पेंडिंग वर्क था जो मुझे करना था, सो आज मैंने इसे फाइनल किया। मैं बहुत खुश हो रही हूँ मंदिर देख देख के, और इसी बीच समर्थ भी उठ गया है। बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया, बहुत पेंडिंग काम था भगवान का सामान साफ करना, सो मैंने कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ भगवान की पूजा करने, दिया जलाने एंड समर्थ को दूध पिला। सो फ्रेंड्स, मैं अब किचन में आ गई हूँ, सो समर्थ को मैंने ब्रश कराया, देन दूध पिलाया एंड देन मैं किचन में आ गई थी। तो नहाने के बाद मैंने चना तुरंत डाल दिया था बॉईल होने के लिए, देन मैंने मंदिर साफ़ किया था। सो इससे क्या हुआ, जब तक मैं मंदिर साफ़ की तब तक चने हो गए थे, और अब मैं इसका छोला बना रही हूँ। मैं बार बार कैमरे में देख रही थी क्योंकि मेरा कैमरा आज बहुत हैंग कर रहा है, सो मुझे लग रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं वही बार बार चेक कर रही थी। और ये कस्तूरी मेथी है जो कि मैं लास्ट में ऐड ऑन करती हूँ बुझाने से 5 मिनट भी ऐड करने के बाद। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आने लगता है। और ये आखिरी में ऐड करते हैं, इसके बाद फिर हम सिर्फ 5 ही मिनट के लिए इसको खौलाते हैं छोले को, और उसके बाद फिर बुझा देते हैं। और ये देखो ये क्या कर रहे हैं छोटे नवाब, इधर देखो, इधर देखो मुन्नू। ये चाय, और ये बन रहा है पराठा, ये बन रहा है पराठा, और ये बन रही है चाय। सो छोला पराठा और चाय नाश्ते में। मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और मैं एक्चुअली अंदर फिल नहीं की हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है क्योंकि अभी मैंने किसी को बुला रखा है मेहंदी लगाने के लिए, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी मेहंदी कंप्लीट कर ली हूँ, ये फ़िलहाल मैंने नहीं लगाई है, ये मेरी हेल्पर है नेहा, उसने लगाई है, और उससे मैं 5 मिनट में लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। और एक्चुअली मैंने शुरू कर दी थी मेहंदी लगाना, एक हाथ में मैंने लगा भी लिया है, मुझे लगा वो आ जाएगी टाइम से, बट उसे काफ़ी लेट हो गया, सो फिर मैंने लगा।
सो मैं बना रही हूँ पेड़ा, क्योंकि कल हमारे यहाँ जो प्रसाद चढ़ता है, भोग चढ़ता है, उसमें एक मीठा भी रहता है, बट अभी कोरोना के चलते बाहर से हम लोग कुछ ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, तो इसको मैं घर में ही बना रही हूँ। और मैंने नॉन स्टिक बर्तन में पलट दिया है, ये सुबह दूध आया था 1 लीटर मैं भैंस का, सो मैंने बफेलो मिल्क का यूज़ किया है, सो मैं उसको अपना नॉन स्टिक पे गर्म कर रही हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। और इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है खोआ बनाने के लिए। और चीनी मैं लमसम 150 ग्राम के आसपास डालूँगी, जो ग्लास में मैंने आपको दिखाया वही चीनी मैं उतनी ही डालूँगी। तो फ्रेंड्स, दूध पकाते पकाते एकदम गाढ़ा हो गया है, अब इसमें मैंने चीनी और इलायची पाउडर ऐड ऑन कर दिया है। अब इसको भी हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा फिर हमें पेड़ा बनाना शुरू करना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद भी लूज़ होता है पानी, उसका छोड़ता है लिक्विड फॉर्म में, फिर टाइटनेस आती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे पेड़े बनके तैयार हो गए, कल यही शिव जी भगवान को भोग लगेगा, हमारे यहाँ यही प्रसाद रहता है, पेड़े ही चढ़ते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने पेड़े बना लिए है, बट बनाते समय काफ़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि एंड के टाइम में समर्थ बिल्कुल नहीं शांत था, बहुत रो रहा था, तो मुझे अंत में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दिखानी पड़ी, तो जिसकी वजह से ना मैं वीडियो शूट कर पाई। और थोड़ा सा फ्रेंड्स, और दूसरे हाथ में मेहंदी ये है जो गंदी सी मैंने लगाई है, ये देख सकते हैं। और कहानी ये थी कि नेहा ने बोला था कि भाभी मैं आके आपकी मेहंदी लगा दूंगी, बट उसको लेट होने लगी, और जैसे उसने ये बात बोली उसी के 10 मिनट बाद समर्थ सो गया, और वो आई बहुत लेट, 1.5 घंटे बाद आई, उसे कहीं जाना था तो लेट 1.5 घंटे बाद आई। तो मुझे लगा अगर ये 1.5 घंटे दिन में टोटल सोता है तो इससे बेटर है कि मैं कुछ लगा लेती हूँ, तो जैसे ही सोया तो फिर मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया और वो नहीं आई, तो फिर मैंने लगा लिया। एंड देन जब वो आई तो वो जिद करने लगी नेहा कि नहीं भाभी मैं लगाऊंगी आपके हाथ में। सो काफ़ी अच्छा लगा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बट जैसी वो लगाई 5 मिनट में लगाया होगा उसने, 5 मिनट लगा होगा, तो 1.5 घंटे बाद जब वो आई 5 मिनट में लगाई, तो समर्थ जी जग गए भाई साहब, और जब समर्थ जी जग गए तो फिर मैं भी कह सकते कि मम्मी के हाथ में, तो मुझे फाइनली छुड़ाना पड़ा मैं भी। हे गाइस, फिर से समर्थ आ गया, सबको बुलाओ, आओ आओ कर दो, आओ आओ आओ, अच्छा आओ आओ आओ। आज है तीज, और आपने अभी अभी ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। सो आज तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी है और ख़ुद तैयार होना है। तीज का मतलब ही है कि अच्छे से सजो धजो विधि पूर्वक पूजा पाठ, यही सब करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रही हूँ मैं क्या क्या पहनूंगी। ये पायल है और बिछिया है, हमारे यहाँ एक कोई ज्वेलरी नया पहनते हैं तो मैं बिछिया ही पहनती हूँ हर साल नया। और ये चूड़ी है मेरी साड़ी के मैचिंग का, और ये जो मेरा छोटा सा मेकअप किट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ। सो ये साड़ी है, साड़ी रेड कलर की है फ्रेंड्स, और मैंने धुलवा के प्रेस करा ली थी। सो और ये मेरा नेकलेस है जो मैं आज पहनूंगी मांगटी का। फ्रेंड्स, चूड़ी कुछ ऐसी है, एक कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे रखा है और एक कॉम्बिनेशन मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, बहुत हल्का सा अंतर है दोनों में, आगे पीछे मैंने रेड और ब्लू कलर के कर दिया है, तो जो मुझे समझ में आएगा मैं उस तरीके का देख लूँगी, बट जहाँ तक है मैं यही वाला ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है। देखो ये क्या हाल कर रखा है, ये क्या हाल हो रखा है, हैं इन्होंने आलू प्याज की समर्थ ने टोकरी नीचे खींच ली थी, क्यों खींचा तुमने, हैं बोलो क्यों खींचा तुमने, क्यों खींचा, पिटाई होगी तुम्हारी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, काम तो कुछ करवाना नहीं है इनको, लेकिन बहुत सारा ये अपने तरीके से मुझ मेरे लिए काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो फाइनली मैंने बिछिया चेंज कर ली है फ्रेंड, और अब मैं जा रही हूँ कलर लगाने, तो कलर लगा के मिलती हूँ मैं। आलता लग गया पाँव में, और बिछिया भी पहन ली है, और मैंने पायल भी पहन लिया है।
अब ये सब तो हो गया फ्रेंड्स। तो मैं जस्ट वेट कर रही हूँ सुनील का कि सुनील आए और मैं पूजा शुरू करूँ। एक्चुअली ये पूजा जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा रहता है और काफ़ी विधि पूर्वक रहता है। इसमें बहुत सारे सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके श्रृंगार के सामान हो गए और फूल वगैरह। शिव जी को बहुत सारी चीज़ें चढ़ती है, जैसे बेलपत्र हो गया, यशमी का पत्ता हो गया, एंड आपके क्या कहते हैं तिल हो गए। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है हमें इकट्ठा करना रहता है। सुहाग का सामान देना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप सुहाग का सामान बांटते हो तो आपके हस्बैंड की और लंबी उम्र बढ़ती है। तो मैंने सारे प्लेट्स में सजा के चीज़ें रख दी है, और अभी जैसे ही वो आएंगे मैं नहा धो करके शुरू होंगी पूजा के लिए, तैयार होंगी प्रॉपर। और सब शोर अभी सो रहा है, सो अभी चलते हैं फ्रेंड्स। मेरे पास बुक भी नहीं है हरतालिका तीज की, तो मैं मोबाइल से ही कहानी पढ़ूंगी नेट पे खोल करके। ये मैं नहा धो ली हूँ फ्रेंड्स और मैंने साड़ी पहन ली है। साड़ी मैं बहुत अच्छी नहीं पहनती हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेकअप करने। एक्चुअली ये साड़ी बहुत पुरानी है, मेरी शादी के टाइम की है, बट इस हमारे यहाँ कोरे कपड़े पहनते हैं, एकदम ही नए कपड़े पहनते हैं, तो इसे मैंने एक बार भी नहीं पहना था। तो मैंने सोचा कि लाओ आज इस मौके पे निकाल लेती हूँ, रेड कलर है और अच्छा भी कलर लगेगा तीज पे। फ्रेंड्स फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और साड़ी पहन ली है और ज्वेलरी भी मैंने पहन ली है। सो अब मैं मेकअप करती हूँ अपना। मैं ये सबसे पहले मैं ये लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, मेरे पास प्राइमर नहीं है। अगर आपके पास प्राइमर हो तो आप वो लगाइएगा। मैंने सिंपल पानी से अभी फेस धुला है और मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एलोवेरा इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेकअप थोड़ा लॉन्ग टाइम तक टिके। नाउ मैं लैक्मी का आपका 9 to 5 फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं लोटस वाइट ग्लो के साथ मिक्स करके, मिक्स एंड मर्ज करके लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करूंगी तो बहुत ड्राइनेस रहती है एंड बहुत ज़्यादा वाइटिश लगने लगता है फेस। सो मैं इसके साथ मिक्स करूंगी तो सॉफ्ट भी रहेगा चेहरा और प्लस इसका साथ इतना कलर भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगेगा वाइट वाइट सा। तो ये मैंने ले लिया फ्रेंड और इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। के बाद लगाएंगे कॉम्पैक्ट, तो आप अपनी स्किन से मिलता जुलता कोई भी कलर का कॉम्पैक्ट ले लें जो आपके स्किन पे मैच करे। मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है। मेरे पास ज़्यादा कुछ मेकअप के आइटम्स नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, तो जो भी है मैं उसी से ही आपको दिखा रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग लिपस्टिक लैक्मी 9 to 5। ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है और रेड कलर की लिपस्टिक हॉट रेड में है, क्योंकि मेरी साड़ी रेड कलर की है, सो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सारा गेटअप मेरा ये है और ये मेरी शादी की चुन्नी है। तैयार हो गई हूँ और मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई बिकॉज समर बिल्कुल नहीं बनाने दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उस टाइम इतना तेज तेज रोने लगा तो मुझे वहीं से छोड़ना पड़ा। मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं किसी काम को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश भी करती हूँ, इन्वॉल्व भी होने लगती हूँ, तो पता चलता है कि उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ बच्चों की वजह से। तो और थक भी गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, टायर्ड हो गई हूँ। अभी पूजा बाकी है, 5:30 बजे मैंने प्लेट लगा लिए थे बट अभी सजाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ रख देती भगवान के पास तो समर्थ पक्का छूटता। अब मैं जा रही हूँ उसे लगाने प्लेट में। तो मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। सौर जो है वो अपने पापा के साथ पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका कल टेस्ट है और सर की हम पढ़ाई तो मिस कर नहीं सकते हैं। और सुनील का भी काफ़ी ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है बिकॉज ऑफ सेल्स की प्रोफाइल होने के नाते। मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। समर्थ मेरे पास बैठा है और समर्थ काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, तो बीच में उसको बहुत तेज़ डांट भी पड़ी है। मैं उसे बार बार बैठा रही हूँ पर वो मान नहीं रहा था। I
अलग अलग जगह फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से पूजा होती है, जैसे कुछ लोग दिन में भी करते हैं, ये सिर्फ अपने कंफर्ट जोन का रहता है, क्योंकि इसमें कुछ भी रात का नहीं रहता है कि चंद्रमा देखना है या चांद देखना है। जो दिन में कंफर्ट होते हैं वो दिन में पूजा करते हैं, जो रात में कंफर्ट होते हैं वो रात में पूजा करते हैं। मेरे पास हरतालिका की बुक नहीं है तो इसलिए मैं नेट पर ही इसकी कहानी पढ़ रही हूँ, और कहानी पढ़ने के बाद इसमें शिव जी की आरती होती है पूरा विधि पूर्वक, और समर्थ को मैंने बहुत तेज़ डांटा है इसलिए वो शांत होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था तो इसलिए उसको इतनी तेज़ डांट पड़ गई कि वो एकदम हिल भी नहीं रहा है। इस तरीके से मैंने इस बार अपना तीज कंप्लीट किया फ्रेंड, और पूजा करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लग रहा है कि एक काम संपन्न हुआ। और ये है श्रृंगार का सामान जो कि हम लोग देते हैं किसी को। तो आप लोग ने अपने घर में कैसे तीज सेलिब्रेट किया मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक।